मैंने ये मेकअप कैसे किया है और कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया है, तो आप मेरा पूरा वीडियो देखिए। मैंने सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स भी बताई हैं, कहाँ से मैंने बाय किया है और वो मेकअप कैसे करना है वो भी मैंने सारा वीडियो में बताया है। तो आप पूरा वीडियो देखिए और प्लीज़ चेक कीजिए कि मैंने ये मेकअप कैसे किया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो मैंने अभी ऑनलाइन मंगाया है, जो मेकअप के प्रोडक्ट्स हैं, उसमें आप मेरा प्रोडक्ट देख के मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि वो प्रोडक्ट कैसा है। अगर किसको किसको अगर प्रॉब्लम होती है कि मैक का प्रोडक्ट कैसा है, हुडा का प्रोडक्ट कैसा है, तो इसके लिए मैं सोची कि आपको रिव्यू बताऊँ वो प्रोडक्ट का, ताकि आपको भी अच्छा लगे और आप इजीली वो बाय कर सकते हो। ओके, जो लोग मेरे कांटेक्ट में है, तो अगर आप लोग को अगर वो बाय करना है तो मेरा एक इंस्टाग्राम पे एक पेज है जिस पे आप जाके इजीली बाय कर सकते हो। मैं इस पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं उसका इंस्टाग्राम का जो मेरा अकाउंट है वो अकाउंट मैं उस पे डाल दूंगी, तो आप जाके आप उस पे जाके आप चेक कर सकते हो। मैंने उसमें से बहुत सारा प्रोडक्ट मंगाया है जो कि मैक का फर्स्ट प्रोडक्ट है, मैक का फाउंडेशन। ये है मैक का फाउंडेशन, बहुत अच्छे से कवरेज देता है, सारे अच्छे से आपके स्किन पे ब्लेंड हो जाएगा और अच्छे से सारे अप्लाई हो जाएगा। तो आप ये थोड़ा मेरे स्किन टोन से थोड़ा डार्क कलर है, ये मेरे पर्सनल यूज़ के लिए मैंने नहीं मंगाया है। मेरा पर्सनल भी मेरा जो भी आपको कलर चाहिए, इसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं तो आप अपना अपना शेड्स मंगा सकते हो। ये देखो, और बहुत ही थिक है, और ऐसा भी नहीं है कि पानी जैसा है, बहुत थिक आता है, अच्छे से लग जाएगा। ये देखो, आप देख सकते हो डिफरेंट, एक ये और एक ये, तो अच्छे से कवर कर देता है देखो स्किन को, है ना। सेकंड प्रोडक्ट है ये छोटा सा ट्यूब है जिसके अंदर भी फाउंडेशन ही है, बट ये इसके लिए है कि कवर करता है थोड़ा। अगर थोड़ा सा कुछ अगर आपको लगाना है, इतना बड़ा बॉटल लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। ये भी सेम प्रोडक्ट है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये देखो, ये भी अच्छे से लग जाता है स्किन पे, आप डिफरेंट देख सकते हो स्किन का, मेरे दोनों स्किन का। तो एक ये कलर आप देख सकते हो और एक ये कलर देख सकते हो, कितना डिफरेंट है, और बहुत अच्छे से लग गया है, प्लस थोड़ा सा शाइनी भी है उसमें। एक है मैंने मंगाया है प्राइमर, ये प्राइमर आप मेकअप के पहले अगर लगाओगे ना, तो आपका स्किन बहुत ही अच्छा से शाइन करेगा। तो ये मैंने प्राइमर मंगाया है जो कि फाउंडेशन से पहले आप लगा सकते हो। ये है प्राइमर, ये देखो, ये जो कि शाइन करता है, ये आपको दिख रहा रहेगा, थोड़ा सा शाइन कर रहा है। तो ये प्राइमर इतना अच्छा है, बहुत अच्छे से स्मूथली लग जाता है और बहुत अच्छे से शाइन होता है। तो आप जब भी आप मेकअप करो तो प्राइमर लगाना मत भूलिए, जब भी आप मेकअप करते हो तो प्राइमर लगा दीजिए, नहीं तो आप कोई भी क्रीम लगा सकते हो। बट अगर क्रीम, अगर आपको ऐसा डाउट है कि कौन सा अलग क्रीम लगाना है, तो सबसे बेस्ट है प्राइमर। ओके, एक और एक आया है इसके साथ, एक आया है आईलैशेस, ये भी बहुत सुंदर है, जो कि नेचुरल लुक जैसा है, ज़्यादा थिक भी नहीं है, वो भी मैक का है, तो ये भी बहुत ही अच्छा है। एक और एक है मैक का ही आया है लाइनर, बहुत सुंदर लाइनर है ये भी, ये देखो, मैंने अप्लाई किया है और मतलब एकदम डार्क है ये, आपको कैमरे में दिख नहीं रहा रहेगा। और
ये लाइनर, ठीक है। अब इसके साथ एक और एक चीज़ आई है जो कि मैक का स्टूडियो फिक्सर, ये है जैसे कि कॉम्पैक्ट पाउडर जो आप लगाते हो वही है ये। ये भी बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा पैकेजिंग है ब्लैक कलर में, और इसका आप पाउडर देख सकते हो, ये देखो बहुत अच्छा है ये भी। और इसके साथ ये भी आया है अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो एक और एक चीज़ आई है इसके साथ जो कि है मैक का ब्लशर, ये भी अच्छा कलर है पिंक, ज़्यादा डार्क भी नहीं है ना ज़्यादा लाइट है, तो पिंक कलर का ये ब्लशर भी आया है। प्लस इसके साथ एक छोटू सा ब्रश भी आया है ब्लशर के लिए। तो अब मैं आपको बताऊंगी, यही मेकअप करके आपको बताऊंगी कि कैसा लग रहा है मेकअप। सिर्फ मैंने लिपस्टिक और काजल लगाई है, अब मैं आपको पूरा मेकअप करके बताऊंगी इसी से, ताकि आपको पता चले कि इससे मेकअप कैसा होता है। ओके चलो, तो अब मैं बताऊंगी आपको मेकअप। ये प्राइमर, जो हम पहले प्राइमर यूज़ करेंगे, तो मैंने प्राइमर लगा दिया है। आज मुझे कांच लेना पड़ेगा, नहीं तो हमेशा मैं फ़ोन में देख के मेकअप करती हूँ। मुझे फिर मैं लूँगी हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन जो मेरा स्किन टोन कलर है। ये देखो, आप देख सकते हो डिफरेंस कितना शाइन कर रहा है स्किन, और बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। अब मैं लगाऊंगी हल्का सा आई शेडो लगा देती हूँ, ओके। तो ये मैं लूंगी गोल्डन कलर। मैं डायरेक्ट हाथ से ही लगा रही हूँ, जरूरी नहीं है ब्रश, आप उंगली से भी लगा सकते हो। ये देखो, एकदम लाइट लगाया है मैंने। अब मैं ये मैक का लाइनर यूज करूंगी। लाइनर भी बहुत अच्छे से लग जाता है इससे।
में लगाऊंगी थोड़ा फाउंडेशन, कॉम्पैक्ट पाउडर। ऐसे तो मैं कॉम्पैक्ट मोस्टली अवॉइड करती हूँ, बट आज लगा के देखती हूँ ये प्रोडक्ट कैसा है। बहुत अच्छे से लग जाता है ये भी। अब मैं लगाऊंगी ब्लशर। तो आज मैं ब्लशर यही ब्रश से लगाऊंगी जो इसके साथ मिला है। ठीक है, ब्लशर भी देखो अच्छे से ब्रश में आ जाता है, ज्यादा ऐसे करने की जरूरत नहीं। हल्का सा सिर्फ टच करोगे ना उसमें ही आपको ब्रश में ब्लशर आ जाएगा। थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी। हाईलाइट के लिए ये हाईलाइटर है एक्चुअली, जो मैंने अभी आई शेडो के लिए यूज़ कर दिया, तो मैंने थोड़ा सा भी हाईलाइटर लगाऊँगी गोल्डन, जो कि थोड़ा सा नोज पे। तो मैंने फुल मेकअप कर लिया है और आप देख सकते हो मेरा मेकअप जो बहुत ही सुंदर लग रहा है। आईलाइनर, आईशैडो और जो मैंने हल्का सा हाईलाइट किया है मेरे स्किन को, बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता सकते हो, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, तो आप मेरे वीडियोस को देख के आप फॉलो करो, मेरे सारे टिप्स फॉलो करो और मेकअप करो, जो मैं बहुत ही इजी वे आपको मेकअप करना सिखाती हूँ। फास्ट फास्ट, हाफ एन आवर भी नहीं लगता है और जल्दी से मेकअप हमारा फिनिश हो जाता है। ओके, चलो देन, बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू, बाय बाय।